इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पे सीएम केजरीवाल का एक बड़ा ऐलान सामने आया। उन्होंने कहा है कि दो दिन में सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और उन्होंने कहा है कि मेरी जगह कोई और सीएम होगा। केजरीवाल, कानून की अदालत में मुझे इंसाफ मिला है, लेकिन अब जनता की अदालत मुझे इंसाफ देगी। इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दो दिन में सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा और मेरी जगह सिसोदिया भी जनता के बीच जाएंगे और वो भी सीट पे नहीं बैठेंगे, वो भी साथ में मेरे जाएंगे और जन फैसला आने तक कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगा। चुनावी जंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पे सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान सामने आया है, जहाँ उन्होंने दो दिन में सीएम पद से इस्तीफा देने की बात कही है और कही है कि मेरी जगह कोई और सीएम होगा। कानून की अदालत में मुझे इंसाफ मिला है, अब जनता की अदालत में मुझे इंसाफ चाहिए, इसलिए अब मैं सीएम के पद से इस्तीफा दो दिनों में दे दूंगा। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल से छूटने के बाद से पहली बार वो पार्टी कार्यालय पहुंचकर संबोधन कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने ऐलान किया अपने इस्तीफा का और बोला है कि दो दिन में अपने इस्तीफा दे देंगे सीएम पद से। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने ऐलान में, आइए सुनवाते हैं आपको। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा, मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 20 साल चलेगा केस, तो केस ये लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी उन्होंने, ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा।